हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जैसे आप लोग थंबनेल में देख चुके हो, प्लेयर ट्रेड्स के बारे में। हम लोग खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सिनर्जी देखते हैं, केमिस्ट्री देखते हैं, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं सारी चीज़ें देखते हैं, बट उसके जो ट्रेड्स होते हैं वो हम लोग ज़्यादा फोकस में नहीं रखते, क्योंकि मतलब वैसे हम लोगों को सामने वो दिखाई नहीं देता, उसको डिटेल्स में जाके फिर ऐसे कौन देखेगा ऐसे करके। तो इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा है अगर उसके पास अच्छे खासे ट्रेड्स है जो भी प्लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर हर एक ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी ट्रेड्स यहाँ पे मिस हो जाता है तो उसके लिए आप लोग बोल देना वीडियो में, मैं बहुत जल्दी बोलने वाला हूँ, आप लोग थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, एक बार मैंने ऑलरेडी इसको बना लिया था, फिर देखा कि 16 मिनट का वीडियो बन रहा है, जितना भी टाइम लगे मैं जल्दी कवर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। एकदम सीधा मैं मेरे टीम से स्टार्ट करूँगा, फिर यहाँ पर मैं कुछ प्रीमियम आइकन्स प्लेयर के ऊपर दिखा दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही होने वाला है, तो चलो ज़्यादा देर ना करें तो यहाँ पर सीधा हम लोग स्टार्ट करते जो भी हम लोग का टॉपिक है। एंड यहाँ पे चलो सबसे पहले यहाँ पे गोलकीपर से स्टार्ट करेंगे। पहले ही आप लोग को यहाँ पे मैं दिखाई, तो कोतवा के पास क्या है, लॉन्ग थ्रोअर यहाँ पे ट्रेड्स है, मतलब ट्रेड्स उसका स्वभाव है, कुछ जो स्पेशल एबिलिटीज होते हैं, मतलब हर एक प्लेयर्स के पास वो चीज़ नहीं होते, इसके पास स्पेशल होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कोतवा के पास जैसे यहाँ पे लॉन्ग थ्रोअर देखने को मिलेंगे, इस चीज़ में मतलब यही ट्रेड्स के साथ और एक प्लेयर भी आता है जो है भेंडे सर, उसके पास भी लॉन्ग थ्रोअर वाला है, मतलब वो बहुत दूर तक यहाँ पे थ्रो कर सकता है, कोई स्पेशल बोल रहे हो कोई स्पेसिफिक प्लेयर्स को यहाँ पे मतलब टैग करके, टैग तो करेगा नहीं बट फिर भी उधर अगर आप जॉयस्टिक से अगर मैनुअली करते हो तो उधर वो ऑटोमेटिकली पास दे सकता है, वैसे लॉन्ग थ्रो कर सकता है। तो यही सीन है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा सी में, यहाँ पे रूडीगर, रूडीगर के पास यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे लॉन्ग पासर एंड लॉन्ग शूट टेकर, मतलब दूर से यहाँ पे शूट कर सकता है, जिस टाइम पे सोचो कि आपका बॉल गोलकीपर सेव किया फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आया इधर साइड में, तो उस टाइम पे क्या करते हैं अच्छा खासा शॉट ले लेता है काफ़ी बढ़िया तरीके से, या फिर मतलब ऐसे पोजिशन में वो रहे तो आराम से वो शूट कर सकता है। और लॉन्ग पासर मतलब यहाँ पे बहुत दूर तक यहाँ पे जो है पास डिलीवर कर सकता है, एक लॉप पास देखे, लॉब थ्रू देखे, जो भी है करके वो कर सकते हैं अटैकर तक। तो यही सीन इसका रहता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसके बाद मैं दिखा देता हूँ इसको मिलिटाओ को, मिलिटाओ के पास आई थिंक यहाँ पे आर्ली क्रॉसर देखने को मिलेंगे। आर्ली क्रॉसर मीन्स यहाँ पे बहुत चांसेस रहता है, जब भी यहाँ पे बॉल मिले वो लोग क्रॉस करने की ज़्यादा कोशिश करता है। ठीक है, मतलब क्रॉस जितना अच्छे से डाला जाए तो पॉसिबिलिटीज रहता है इन लोगों के, अगर मतलब आप लोग यूज करते हो तो। फिर यहाँ पे लॉन्ग पासर है, जैसे मैंने बोला था लॉन्ग पासर, तो वही सीन है। एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेंडी, तो मेंडी का क्या सीन होगा, मेंडी यहाँ पे फ्लेयर मूव मतलब फ्लेयर ट्रेड्स ऐसा एक ट्रेड्स है ना, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स यही ट्रेड्स के साथ है जो भी अच्छे खासे प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर ट्रेड्स में आपके होते हैं कि प्लेयर अच्छे खासे यहाँ पे स्किल या फिर बोलो कोई भी चीज़ अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं, मतलब फ्लेयर तरीके से करते हैं ये चीज़, मतलब फ्लेयर के मतलब मैं क्या बोलूँ इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो वही चीज़ है। तो मूव्स है, पासेस है, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं एंड स्किल्स वगैरह। बाकी यहाँ पे ट्रेड्स देखो, स्पीड ड्रिबलर मतलब काफ़ी जल्दी तरीके से यहाँ पे ड्रिबलिंग करके वो निकल सकते हैं, सोचो कि अगर आप स्टेप ओवर भी अगर यूज कर रहे हो तो वो भी करके बहुत जल्दी यहाँ पे निकल सकते हैं ये सारे प्लेयर। एंड उसके बाद यहाँ पे चलते हैं सीधा मॉड्रिच के पास, मॉड्रिच के पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे लॉन्ग शॉट टेकर। यहाँ पे लॉन्ग शॉट टेकर मीन्स यहाँ पे दूर से शॉट जैसे लेना, मैंने बोला ही था, उसके पास भी है, रूडीगर के पास, इसके पास भी है। प्ले मेकर जो है, प्ले मेकर मतलब कोई भी यहाँ पे चांस क्रिएट करने में, मतलब बिल्ड करने में, अटैक बिल्ड करने में काफ़ी यहाँ पे हद तक ये लोग क्या ही बोलूँ मतलब चला जाता है, ये लोग पूरे अटैकिंग में जा सकते हैं, मतलब ऐसे बॉल पास किया फिर वही अपर आप में जा रहा है, फिर एक बार इसको पास हो तो वो फिर चांस क्रिएट करके दे रहा है दूसरे प्लेयर के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करते रहते हैं। तो ऐसे ही प्लेयर है मॉड्रिच। और यहाँ पे देखना काका की बात करूँ तो काका को यहाँ पे शायद 2 से 3 मिला है, तो इंजरी प्रोन सबसे चीज़ें वही है कि इंजरी होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, एक चीज़ है डिसएडवांटेज बोल सकते हो। तो ज़्यादा ट्राई करो कि ज़्यादा मौत दौड़ाओ इसको, आराम से खेलो, जहाँ से है जिस पोजिशन होल्ड कर रहे उधर से ही बॉल डिलीवर करने की कोशिश करो दूसरे प्लेयर तक, ना कि इसको दौड़ के उसके पोजिशन में लेके जाओ, ओवरलैप करने की कोशिश बिल्कुल ना करो इसको लेके। तो वही सीन है, अगर फ्री में बॉल मिल रहा है तो इसको लेके भागो, बट आई थिंक उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। फिर यहाँ पे फिनिश शॉट जो है, यहाँ पे पता ही है जो इनसाइड कॉल वगैरह हम लोग बोलते हैं, तो वही चीज़ करते हैं। एंड फ्लेयर वगैरह जो है, फ्लेयर भी आप लोगों को फ्लेयर भी है यहाँ पे ट्रेड्स इसके अंदर, मतलब जो है सारे चीज़
कल हम लोग मार सकते हो, वो कर सकते हो। प्ले मेकर मतलब चांसेस बनाता है, यहाँ पे बिल्ड करता है, बिल्ड जो भी यहाँ पे आप लोग अटैक बिल्ड करते हो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पे जिनेती, ये भी एक टीम लीडर टाइप के यहाँ पे बोल सकते हो, लीडरशिप है इसके अंदर, तो ये कर सकते हैं। एंड टीम प्लेयर मैंने ऐसे बोला था कि केमिस्ट्री वगैरह वो अच्छे से बन पाता है। एंड रूट गुलित ये काफ़ी बढ़िया प्लेयर आपका आ जाता है, जिसमें सॉलिड प्लेयर मतलब चोट होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। पावर हेडर एक स्पेशल चीज़ है, जिसमें आपको जो भी कॉर्नर्स होते हैं, जो भी क्रॉसेस होते हैं, उसमें गोल कॉन्वर्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अगर ये सारे प्लेयर्स को आप रखते हो तो ये काफी बढ़िया एक सीन हो सकता है। बाकी यहाँ पे कहने वालों की यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, नए आए हैं इस बार मिलेंगे, सॉलिड प्लेयर्स है, लीडरशिप है, कैप्टन रख सकते हो। एंड यहाँ पे सॉलिड प्लेयर्स है, चोट होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। एंड बॉल ज्यादा टाइम अगर टैकल भी आएगा तो बॉल उसी के पैर में रहेंगे, तो ये सारी चीजें हो जाता है। विडिच की बात करूँ तो विडिच आई थिंक यहाँ पे सॉलिड प्लेयर है, क्या यहाँ पे टीम प्लेयर है, डाइव्स इन टैकल में मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ट्राई करते हैं। अगर पॉसिबल है उस जगह पे बॉल को यहाँ पे टैकल करके ले सकते हैं, तो उस टाइप पे वो क्या करता है कि स्लाइड टैकल यूज करता है, ना कि वो यूज करे नॉर्मल टैकल यूज करे। तो यही सारे सीने यहाँ पे होते रहते हैं। बाकी यहाँ पे श्वेनश्टाइगर की एक बार मैं देख लेता हूँ, श्वेनश्टाइगर के पास क्या है यहाँ पे, वो श्वेनश्टाइगर के पास फिलहाल के लिए मेरे को दो ही चार चीज़ें हैं, लॉन्ग पासर है यहाँ पे, लॉन्ग शूटेकर है, टीम प्लेयर है एंड प्ले मेकर है। ये सारी चीज़ के बारे में मैंने बात कर दिया, धीरे धीरे सबके बारे में मैं बोलूँगा नहीं, मतलब एक ही चीज़ के बारे में हर बार। तो यहाँ पे पावर हेडर मतलब स्पेशल जो चीज़ है, अवॉइड वीक फुट एक नया चीज़ देखने को मिला। तो अवॉइड वीक फुट में क्या होता है, वो जो वीक फुट है उसको कम यूज करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्राई करते हैं जितना ज़्यादा हो सके उसके जो स्ट्रॉन्ग फुट है उसी को यूज करके पास करे, शूट करे, कुछ भी करे। तो ये सारी चीज़ें होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब वही करते हैं स्ट्रॉन्ग फुट से ही। और उसके बाद अगर देखा जाए लॉन्ग शूट लॉन्ग पासर, तो ये सारी चीज़ें मैंने बोल दिया है। लॉन्ग पास मतलब दूर तक पास दे सकते हैं, एंड लॉन्ग शूट मतलब समझ ही रहे हो आप, शूट कर सकते हैं दूर से। एंड वैन बास्टन इसके पास आई थिंक पावर हेडर है क्या, इसके पास इंजरी प्रोन है, ये चोट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा देखो जो चोट खाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना, उन लोगों को लेके ज़्यादा भागाओ मत, मतलब नॉर्मली रहने दो, उसके पोजीशन के हिसाब से उसको खिलाओ, ना कि वो अगर एसटी है आप उसको क्या ही बोलो सीडीएम तक अगर खींच के ला रहे हो तो ये चीज़ नहीं करना है, समझ रहे हो, उसको उतना दूरी रहने दो। एंड गरिंचा काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, इसके पास आई थिंक जो है प्लेयर पावरफुल ड्रीवन फ्री किक, मतलब ये लोग क्या करते हैं पावरफुल ड्रीवन फ्री किक आई थिंक जो है ना, ये थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बहुत लॉन्ग स्टेप लेते हैं गोल मारने के लिए कि पावरफुल जो भी है यहाँ पे शॉट जनरेट कर पाए, तो इसके लिए। एंड वो जो होता है जो फ्री किक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग क्या करते हैं ऑटो प्ले में होता है, कुछ कुछ चीज़ें ऑटो प्ले में होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग क्या करते हैं ग्राउंड यहाँ पे फ्री किक लेते हैं, मतलब अगर मारेंगे भी तो नीचे से ही मारेंगे, ऊपर से नहीं, और इसमें गोल भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड फ्लेयर यहाँ पे देख सकते हो स्पीड ड्रिबलर भी है, तो मैंने ये सारी चीज़ तो दिखा दिया। अब मैं भेंडे सर को यहाँ पे गोलकीपर की तरफ थोड़ा सा दिखाई, तो एंड वीडियो एंड करने वाला है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे और एक दो प्लेयर को ही दिखाएंगे। लॉन्ग थ्रो मतलब दूर तक यहाँ पे थ्रो कर सकते हैं एज ए गोल कीपर, देख सकते हो। तो जो कुत्ते के पास भी था मैंने बोल दिया था। और अगर आपको चाहिए वो वाला प्लेयर तो आप यासिन को ट्राई कर सकते हो। इसके पास एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो है पांचर, मतलब जब भी क्रॉस आ रहा है वो रोकने के लिए वो पांच करके बॉल को यहाँ पे क्लियर करते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। एंड टीम प्लेयर भी है, तो ऑब्वियसली आप लोग थोड़ा बहुत पास पास वगैरह करके देख सकते हो इसके साथ। एंड उसके बाद चलो चलते हैं यहाँ पे फाना थोड़े के पास, इसके हाइट तो है, पावर हीटर है कि एक बार देखना पड़ेगा, पावर हीटर इसको दिया नहीं गया है, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखो जो है यहाँ पे द्रोगबा देखने में मिल रहा है, द्रोगबा के पास लॉन्ग शूट है, पावर हीटर है, इसको अगर आप लेते हो ये हेड मारने में यहाँ पे मदद करते हैं ऑब्वियसली, मतलब चांसेस रहते हैं कॉन्वर्ट करें जितना ज़्यादा हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड हिंदी को एक बार मैं देख लेता हूँ, हिंदी का क्या सीन है, हिंदी का यहाँ पे फिनिश शॉट प्लेयर स्पीड ड्रिबलर है, ट्राइज टू बीट ऑफसाइड ट्रैप, एक नया चीज़ है। इसमें क्या होता है ऑफसाइड ट्रैप, इन लोगों को आप ऑफसाइड के ट्रैप में फंसा नहीं सकते हर बार, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे ट्रैप डाल रहे हो सोच रहे हो कि ऑफसाइड हो जाए, लेकिन इन लोगों के पास वो सेंस रहता है, जैसे क्लोजे भी इसके अंदर आता है, क्लोजे अगर यहाँ पे देख पाते तो मैं आप लोगों को बताया था, मिरोस्लाव क्लोजे यहाँ पे वैसे ही है, वैसे एक प्लेयर है जिसको आप लोग उतना जल्दी ऑफसाइड नहीं करा सकते। तो वही सारी चीज़ें हैं, मैंने आई थिंक सारी चीज़ यहाँ पे कवर कर दिया है, लीडरशिप कैप्टनशिप जो भी है, कैसे प्लेयर को रख सकते हो, क्या चीज़ें हैं, मालदीनी किस टाइप के हैं, एंड गोलकीपर कैसे आपको लेना चाहिए, और वन वी वन एक चीज़ रहेगा, या मैनुअल नोयर को आप लोग ट्राई कर सकते हो वन वी वन, मतलब जिस टाइम पे सोचिए वन वी वन सिचुएशन आ रहा है तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं ज़्यादा क्लोज डाउन करते हैं अटैकर कि वो एंगल छोटा कर दे एंड गोल होने की चांसेस कम रहे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर ट्रेड्स के ऊपर आई थिंक बहुत कम वीडियोज़ है, फिर भी मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश की है जितना हो सके यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की हर एक चीज़ के बारे में, और काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो चुका है वीडियो, अगर लास्ट तक देख रहे हो तो ऑब्वियसली एक लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे, तो बस वही सीन है। एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए गेम रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अगर आप लोगों को यहाँ पे पूछना भी हो तो कमेंट भी नीचे कर सकते हो, एंड उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।